बेसन की टूटी का मसला था, तो टूटी खोल के रखी हुई है कोई चीज़ मेरे ख्याल में लेने गए हैं। नीचे से लूज़ है ये वाली, कोई ऐसे हिलती रहती थी, और ये बेसन रखा हुआ है भाई साहब खोल के। अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ लाइक शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत मेहरबानी। तो भी हो जाता है जी नाश्ते का टाइम, तो नाश्ता आज है चावलों का। अभी मेरे चावल गर्म हो गए हैं, तो जी इसमें ला करते हैं और खाना स्टार्ट। मेरा इरादा हल्की सी जो है केचप ऊपर डाल लूँ तो जायका बेहतर हो जाता है, काफ़ी जायका देती है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अभी कॉलेज का आप लोगों को थोड़ा टूर करवाता हूँ भाई साहब। खुला ग्राउंड है कॉलेज का, ओ खुला ही खुला। ये ब्रेक्सिट वगैरह के लिए इस पे जंगले जाली लगा कर फिर यहाँ पर इजीली हार्ड बॉल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी नेम तोड़ने आया हूँ यहाँ से। इधर जो है कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट की, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैच स्टार्ट होने वाले हैं कॉलेज में ही, तो फिर उसकी। तो अभी इस साइड पे आए तो इस साइड पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे रूम्स हैं, देखें जी बिल्डिंग्स, और वो हॉस्टल है सामने जो है टीचर्स का। पहले कुछ ना कुछ टीचर्स यहाँ पर रहते भी थे, तो फिर अभी तो नहीं रहते, अभी काफ़ी ओल्ड हो गया है, काफ़ी पहले बनाया था। तो यहाँ पर ज़्यादा जो है सफ़ेदे ही सफ़ेदे हैं, देखिए सारे ही तकरीबन। इस साइड पे हैं तो देखिए आगे, इस साइड पे गेट है वो आगे। अभी आया जी नमक लेने जानवरों के लिए, इधर भी रखा हुआ है भी। पर जानवर है हमारा एक, उसको जो है मिट्टी खाने की काफ़ी आदत है, दीवार पे जो है वहाँ है उसको लगाता रहता है, फिर चाटता है वहाँ से मिट्टी को। तो मैंने सोचा उसके आगे नमक रख लेंगे, ये लिया है। तो आज सब्जी वगैरह का तो सुबह कोई प्रोग्राम नहीं बना कि क्या खाना है क्या नहीं, कह रहे थे ये देखेंगे बाद में। पहले मैं कभी कभार देखता था कि हमारे पास एक जो है गाय होती थी, गाय के आगे नीमक की डली रखी हुई होती थी, काफ़ी साल हो गए हैं। तो मैं कहता था ये पता क्या चीज़ है, तो बाद में मुझे फिर पता चला कि ये नीमक है। अगर दीवार से मिट्टी वगैरह चाटें तो उसके लिए ये रख दें ताकि इसको जो है खाती रहें। मुझे लगा वज़न भी इसका थोड़ा ही होगा, एक डली मैंने उठाई तो भाई साहब 2 kg की छोटी सी डली है लटकाई हुई है, 2 kg की। शॉपर को भी एक बार हला रही है, गर्मी तो भाई साहब अच्छी तरह नहीं आई, ठंडियाँ आ गई हैं आँखों में पड़ने वाली, बहुत तंग कर रही हैं। दो महीने चली हैं, रात को काफ़ी मच्छर वगैरह होता है और ठंडियाँ जो है इस टाइम लग रहा है कि बूंदियों से बचने के लिए ऐनक और मास्क लगाना पड़ेगा, मुंह में जाने से बचने के लिए मास्क और आंखों में ऐनक। पहले मैं अक्सर यहाँ से गुजरता था तो डॉग पड़ जाते थे, तो भी कुछ उनसे जो है गपशप हो गई, अभी कुछ नहीं कहते। अचानक से माशाल्लाह से मेरे ख्याल में जो गुलाब की खुशबू आई है काफ़ी अच्छी। मोटर का जो बटन है वो हो गया था ये ख़राब, तो अभी चेंज किया है तो चलाई हुई है। पहले इस कलर का ही था तो अभी जो है ब्लैक, उस तरह का फिर नहीं मिलता जैसा पहले लेकर आया। और बेसन की टूटी का मसला था तो टूटी खोल के रखी हुई है कोई चीज़ मेरे ख्याल में लेने गए हैं ये वाली। तो ये नीचे से लूज़ है ये वाली, कोई ऐसे हिलती रहती थी, इसको निकाला हुआ है और ये बेसन रखा हुआ है भाई साहब खोल के। तो अभी इसे सेट करके टूटी को फिर लगा देंगे। अभी नीम के जो है पत्ते उतार लिए हैं इसमें, और ये जो है बकरियों को टहनियाँ डाल देता हूँ अभी, और इसको कूटते हैं। हाँ जी भाई ले आए हो? जी यार ले आए, वो सामान आ रहा था आपको चेक करते हैं। अभी भाई लोग आ चुके हैं जी लेकर, कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, कुछ बेसन का और कुछ बाकी टूटियों का, एक दो चीज़ें वो भी लगाएंगे। मोरी तो सीमेंट जो भरना वा आप हूं ही दे देना कच्चे कच्चे सीमेंट, तो फिर मोरी बन जानी है, फिर बिच ठोकना। तो अभी चाचू जान और साथ में शाद कज़न जो है वो चेंजिंग करने लगे हैं। अबू जान का तंबाकू शायद हो गया था गीला, तो अभी उन्होंने सूखने के लिए तार पे डाला हुआ है, क्योंकि हुक्का पीते हैं तो फिर तंबाकू डालना होता है। तो मैं अमरूद खाया काफ़ी अच्छा लगा है। तो भाई सब सारा नीचे से नुकसान कर दिया, देखें ऊपर से कुछ है लेकिन नीचे से फूल। जो हमारा अमरूद के बूटे ने जो है पौधे ने काफ़ी ज़्यादा फल उठाया है, कुछ छोटे छोटे अमरूद हैं, कुछ बड़े भी अभी छोटे हैं, ये
वो दो चार दिन में ये भी तैयार हो जाना है, ऊपर भी कुछ है। नीम जूस के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि मंथली में तो एक बार लाजमी से पिए, क्योंकि कड़वी जो चीज़ होती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इंसान मीठी चीज़ें नमकीन खा खा के फिर कड़वी की भी उसको ज़रूरत होती है, लेकिन वो खाता नहीं। तो आज भाई साहब काफ़ी धूप निकली हुई है, काफ़ी ऊपर लग रही है, ज़्यादा गर्मी ही लग रही है, जैसे गर्मी समझे, और इससे थोड़ी सी और तेज़ हो जाए तो समझे गर्मी आ गई। भाई साहब सेटिंग करते हैं, ऊपर से जो है बाल बंद किया हुआ था तो अभी ओपन करते हैं, नीचे वो चेक कर रहे हैं। जी ये भी टूटने वाला है, ये भी किसी दिन टूट जाना है, काफ़ी ज़्यादा इसे जंग लगा हुआ है। टूटी तो बिल्कुल ठीक हो गई है, अभी पहले यहाँ से कुछ लूज़ करती थी तो अभी टाइट कर दी है, और पीछे इसके तो दो प्लग होते हैं वो भी सिमर लगाया है, तो साथ में इंटर रखी हैं, वो बाद में फिर लगाएंगे जब सीमेंट सूख जाएगा। तो ये पाइप यहाँ से ये इसके ऊपर लगा दिया ताकि जो भी वहाँ पर चीज़ आए इसमें गिरे सीधी, नहीं तो ये सारी जगह ख़राब हो जाती थी पहले, और वहाँ से भी कचरा वगैरह था इस तरह का। और अभी आग लगाई है ताकि जल गए, और फिर इसको जो मिट्टी है इक्वल कर देंगे, वहाँ से जगह थोड़ी नीचे है तो जो जलाने में लकड़ियाँ साइड पर कर देंगे। जगह ने काम किया है काफ़ी अच्छा, और अभी आग जल रही है। कुछ यहाँ पे भी बांसों के साथ कचरा था, दिन भी कह रहा था कि लगा दें आग, अभी आज लगा दी है, और ऊपर से जगह कैसे हिल रही है आग की तपश से, काफ़ी ज़्यादा है बांसों की आग तेज़। ये बांस देखें किस साइड पे चला गया, लचक में देखें कितनी ज़्यादा है, अभी आहिस्ता जैसे बड़ा होता जाएगा तो सीधा होता जाएगा ऊपर, वो वहाँ तक पहुँच गया लचक की वजह से, इधर से भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और सूरज कुछ सामने आ गया माशाल्लाह, ये सुमान साइकिल लेकर आया तो खेल रहे हैं। अभी नुमान जो हैं काफ़ी देर बाद साइकिल चलाने लगे हैं, तो देखते हैं कैसी फीलिंग है इनकी, कैसा इनको तरीका भूल तो नहीं गया। भी जा रहे हैं लो भाई, चक्कर लगा के आ भी गए जल्दी से। ओ जी कैसी लगा फिर साइकिल चलाते हुए? इसकी काठी बहुत लगती है, ये छोटी सी काठी है तो फिर छोटा ही चला सकता है। आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।